आवाज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अभी हमारे मनसुख भाई कह रहे थे कुंडली की बात, बहुत परिवारों में परंपरा रहती है, शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, जन्माक्षर मिलाते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई कुंडली मिलाओ या न मिलाओ, लेकिन सिकल सेल की जांच का जो रिपोर्ट है, जो कार्ड दिया जा रहा है, उसको तो जरूर मिलाना और उसके बाद शादी करना। साथियों, तभी हम इस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से रोका जा सकेगा। इसलिए मेरा आग्रह है, हर व्यक्ति स्क्रीनिंग अभियान से जुड़े, अपना कार्ड बनवाए, बीमारी की जांच कराए। इस जिम्मेदारी को लेने के लिए समाज खुद जितना आएगा, उतना ही सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति आसान होगी। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी बहुत कष्टदायी होती है। इसके मरीजों के जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, शरीर में सूजन और थकावट रहती है, पीठ, पैर और सीने में असहनीय दर्द महसूस होता है, सांस फूलती है। लंबे समय तक दर्द सहने वाले मरीज के शरीर के अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। ये बीमारी परिवारों को भी बिखेर देती है, और ये बीमारी न हवा से होती है, न पानी से होती है, न भोजन से फैलती है। ये बीमारी ऐसी है जो माता पिता से ही बच्चे में ये बीमारी आ सकती है, ये आनुवंशिक है। और इस बीमारी के साथ जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो पूरी जिंदगी चुनौतियों से जूझते रहते हैं। साथियों, पूरी दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के जितने मामले होते हैं, उनमें से आधे 50%। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।